हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज पांचवा दिन है। वाकई में दोस्तों आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया आज के दिन रनिंग हुई है। बस एक नया पैटर्न अप्लाई किया है मैंने रनिंग के दौरान, जो आप लोगों ने ही मुझे सजेशन दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया था कि आपको अगर अपना वेट लूज़ करना है काफ़ी फास्ट तरीके से तो रनिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। बस दोस्तों उसका सिंपल सा वे है कि आप अपनी जितना भी आप दौड़ना है उसमें अपनी स्पीड का वेरिएशन कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग स्टार्ट करें, मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना भी आप दौड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 100-200 मीटर आप नॉर्मल स्पीड से दौड़िए, बिल्कुल हल्के हल्के से, जिससे कि आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी। और वार्म अप के लिए मैं पहले भी एक्सरसाइज बता चुका हूँ जो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर आप रनिंग कीजिए 100-200 मीटर या 300 मीटर जितना भी आप हल्के से दौड़ सकते हैं। आफ्टर दैट आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए एकदम से, या तो 100 मीटर या 50 मीटर जितने का भी आप अपना शूट मारिए। उसके बाद शूट मारने के बाद फिर अपनी स्पीड को बिल्कुल स्लो कर लीजिए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद 100-200 मीटर देन आप अपनी स्पीड को दोबारा बढ़ाइए, फिर शूट मारिए, फिर कम कीजिए। ये प्रोसेस को आप करते रहिए जितना भी आप दौड़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी आपकी रनिंग के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ देर तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, बट आफ्टर दैट हमारे सभी ऑर्गन्स को उस स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती है, फिर हमारी बॉडी इतनी एनर्जी बर्न नहीं कर पाती। बट जैसे हम स्पीड वेरिएशन करते हैं तो हमारी बॉडी को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को एडजस्ट करें, और इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है। ठीक है, उससे हमारा वेट काफ़ी जल्दी यूज़ होगा, सॉरी वेट लूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात कहना चाहूँगा कि आप रनिंग करने के बाद अपनी मस्कुलर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है उसको बर्न करने लग जाएगी, क्योंकि प्रोटीन को बर्न करना फैट के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करेंगे जिससे क्या होगा, आपको प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बनाने में काम आ जाएगा और हमारी बॉडी फिर फैट को बर्न करने लग जाएगी। और वेट लूज़ तो हमें फैट कर बर्न करके ही करना है। ठीक है, और अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए। डाइट के बारे में मैं किसी और मतलब एक्सपर्ट से डिस्कस करके आपको ज़रूर बताऊंगा, और आपको 2-3 दिन में डाइट प्लान भी बता दूंगा आपको कैसे क्या खाना है, क्या पीना है और किस हिसाब से रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मैं अपील कर देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।